फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक, राज्य टीवी नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत शकुन अपशकुन, और आज हम बात करने जा रहे हैं शकुन अपशकुन में बहुत ही ख़ास विषय पर। सुबह सवेरे दिख जाइए जीव तो समझ लें होगी धन की बरसात। देखिए, कुछ ऐसे जीव हैं इस संसार में जो बहुत शुभ माने जाते हैं, कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें देखना बहुत अशुभ माना गया है। जैसे दीपावली के दिन उल्लू को देखना बड़ा शुभ माना गया है, बाकी दिनों में अगर दिन के समय में उल्लू दिख जाए तो बड़ा अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे जीव जंतु हैं संसार में, ये हमको हम अभी आपको पूरा बताएंगे इस बारे में, जिन्हें देखना बहुत शुभ माना गया है, उनकी स्थिति बहुत शुभ मानी गई है। आइए इस बारे में जानते हैं। हमारे आसपास के जीव जंतुओं के विभिन्न गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक शास्त्र भी है और जो भविष्य के पूर्वमान और आकलन के आधार पर हमें संकेत देता है। ये शास्त्र है शकुन शास्त्र। शकुन का मतलब होता है गुड साइन, अपशकुन का मतलब होता है बैड साइन, या यूं कहें गुड वुमेन और बैड वुमेन। शकुन शास्त्र के अनुसार सूक्ष्म गतिविधियों के आधार पर हम आसानी से भविष्य का आकलन कर सकते हैं। ये ज्योतिष का ही एक भाग है। हमारे आसपास घटने वाली उन अकस्मात घटनाओं को पढ़ने का काम ये करता है जो हमारे आसपास घटती हैं और खास संकेत देती हैं कि भविष्य कैसा होने जा रहा है। शकुन शास्त्र और सामुद्रिक विज्ञान में ऐसे कई रहस्यों का वर्णन किया गया है जो भविष्य की घटनाओं को समझाने में सहायक सिद्ध होती हैं। इनमें हमारे शरीर में अचानक कोई हरकत होना, हमारे आसपास होने वाले अकस्मात बदलाव होना, या फिर जीव जंतुओं से आने वाले बदलाव, इन सब की ओर संकेत देते हैं। आपने भी सुना होगा, काली बिल्ली रास्ता काट जाए अशुभ होता है, और यहीं अगर गाय दिख जाए बड़ा शुभ माना जाता है। कुत्ते का घर पर आकर भौंकना और चिल्लाना और रोना अशुभ माना जाता है। शुभ अशुभ के संकेत शकुन शास्त्र में समझे जा सकते हैं। सदियों से कुछ काम और घटनाओं को शुभ और अशुभ माना गया है, इन्हें शकुन अपशकुन कहा जाता है। शकुन शास्त्र में ऐसे ही शकुन और अपशकुनों से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया गया, और आज हम बात करेंगे सुबह सवेरे अगर दिख जाए छिपकली तो ये समझ लीजिए होगी धन की बरसात, लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करता है ये। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, शकुन शास्त्र के अनुसार सुबह सवेरे उठने के बाद अगर आपको सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं तो ये समझ लीजिए आपका पूरा दिन शुभ हो गया और जीवन शुभ फल देने वाला बन जाएगा। शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली को धन का प्रतीक, लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर सुबह के समय दिख जाए तो इससे धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। सुबह उठने के बाद अगर आपको सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं तो इससे पूरा दिन धन आगमन के योग बने रहते हैं। सुबह उठने के बाद अगर छिपकली दीवार की तरफ ऊपर की ओर जाती हुई दिख जाए तो ये कार्यक्षेत्र में प्रगति का संकेत माना जाता है, लेकिन अगर उतरती हुई दिख जाए तो ये समझ लीजिए धन आने का भी संकेत है। सुबह उठने के बाद अगर छिपकली दीवार की तरफ ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे तो ये बड़े आर्थिक लाभ की तरफ इशारा करता है, लेकिन अगर उतर रही हो इसी जगह पर तो ये धन आने भी करवाता है। सुबह सवेरे छिपकली का सिर पर गिर जाना, जहाँ बाल है ये सिर है, है ना, ये फेस है, ध्यान रखिएगा इसमें डिफरेंशिएशन। अगर सुबह सवेरे छिपकली सिर पर गिर गई तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत माना जाता है, और सुबह सवेरे माथे पर यानी कि यहाँ अगर छिपकली गिर जाए तो ये संकेत है किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको लाभ होगा, कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बड़ा खास महत्वपूर्ण व्यक्ति। और अब देखिए, सुबह सवेरे दाएँ कंधे पर अगर छिपकली गिर जाए तो ये कंपटीशन में सफलता का संकेत माना जाता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। सुबह सवेरे दाएं कंधे पर छिपकली का गिरना वाद विवाद में जीत का भी संकेत है। सुबह सवेरे दाएं कंधे पर छिपकली का गिरना युद्ध में जीत का भी संकेत है, लेकिन सुबह सवेरे अगर बाएं कंधे पर अगर छिपकली गिर जाए तो ये शत्रु से हानि का संकेत माना जाता है। तो हमने देखा कि सुबह सवेरे अगर छिपकली गिर जाए, उसके दर्शन हो जाए तो देखिए जीवन में कितने बड़े बदलाव का संकेत देती है। ऐसे ही कुछ एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।